हेलो प्रिया मैम, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड तो मॉर्निंग। एक कानी चेली खाना खा रही है और बेल जी बच्चा देख रहा है। दोनों भाई बहनों का बड़ा प्यार चल रहा है और अभी टाइम हो रहा है कितना, 11:15। इस समय नाश्ता बन रहा है। नाश्ता मिल गया प्रिया, खुश नसीबी है तेरी, वरना तेरे जाए में दो दो तीन तीन बजे तक भी नाश्ता नहीं बनाया इस घर में। ठीक है, अब आगे मिलवाता हूँ। ये है हमारी आंटी, आ रखी है। कैसे हो रहे हो आंटी? ठीक हो? आंटी भी निमोरी जैसा रखी। खाना बनता किस समय तू खाता मुझे बता, कल शाम लड़ने के लिए रसोई खाना छोड़ के आई। अरे रात नींद आ गई थी मुझे जल्दी। अपनी गलती नहीं देखता, खाना नहीं बना। कल आंटी क्या हुआ? ना ना नहीं बनाया था कल। कल सुबह भी मैंने नूडल्स खाए, कल रात भी मैंने नूडल्स खाए। नूडल्स खा के अजीब ही हो गया था तो भूख नहीं लगी मुझे। अरे नूडल्स खा रखे थे ना उससे पहले, मेरी गलती है। तो मम्मी अभी क्या बना रही है? अभी पता नहीं क्या बना रही है, रोटी और सब्जी भी रात की होगी, कन्फर्म है रात की। अभी कहाँ से हो गई रात की? है रात की है, पूछ लो जाओ अपने। सही रात की है? नहीं है सही। एक हफ्ते पहले बनाई थी मम्मी, सही। एक हफ्ते पहले बनाई थी, फ्रिज में रखी थी। वीडियो में झूठ मत बोल मम्मी, रात की सब्जी है। रात की सब्जी कहाँ? ये दिखा दे अब मुझे, कब मेरे से की सब्जी रात की कहाँ बची? ये दिखा दे, यही है रात की सब्जी। अरे मम्मी रात, अरे मम्मी झूठी मम्मी, पाप लगेगा तुझे यार। तो चलो दोस्तों थोड़ा सा बाहर डोई के आता हूँ। मैंने अभी मुंह भी नहीं धो रखा भाई ढंग से, अभी उठाई हूँ। पता रात क्या हुआ? अरे भैया दरवाजा भी उठ के नहीं लग रहा है कसम से यार। ओ भाई जानते हो क्या हुआ? रात बारिश आ गई थी, मेरे जूते उतरे, ये जूते मेरे सारे भीग गए। वो जूते पूरी रात बारिश में रहे, भीग गए। मम्मी ने मुझको बोला था कि गेहूं वेहूं भी रखे थे ना बाहर कट्टे में, वो भी ले जाना भूल गया। गेहूं का भी नाश हो गया पूरा। बहुत कुछ ऐसा हुआ रात जो मम्मी ने मुझको बोला बाहर का सामान सब अंदर रखते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। थोड़ा बहुत दिखा मैंने रख दिया, राइट साइड में रख रखे थे जूते उतरे ना, क्योंकि ऊंची जगह पे रखते हैं हम, बेलजी से बचा के गए। अंदर रखते हैं जूते, बेलजी खा जाता है भाई साहब। चलो चलते हैं। हेलो पांडे जी, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हो रहा हूँ, आप कैसे हो रहे हो? क्या बना रहे हो? चाह बना? अल्लाह खैवे रह रू यार, चाह आप पूछो। खाया तो मैंने तो खाया। अच्छा पहाड़ी में खाते हैं? वैसे बंगाली में खाते हैं, पहाड़ी में तो पीते हैं चाह। तुम्हारे वहाँ खानी चाह? अगर हम समोसे बना रखे और ये सेम की तैयारी चली पांडे जी की, और पांडे जी का फरफराहट हो रहा। कल कैसा रहा दिन? कल छुट्टी थी? रात दो का तो है गो, और बात दो। हाँ अरड़ी, हाँ तो बारिश हो रही थी तो अरड़ी जाओगे ही। तो चलो भैया अभी पांडे जी की दुकान में आए थे, भास्कर भैया तो मिले नहीं, उनसे मिलने आए थे। अब घर को चलते हैं, घर में क्योंकि आंटी लोग आ रखे ना, तो बोल ले थोड़ा शूटिंग वूटिंग करनी है, उसके बाद घर में ही दिखाएंगे आपको क्या होने वाला है आज। तो अभी हम घर आए तो भाई साहब यहाँ दरवाजा ही बंद है। प्रिया मम्मी बाहर का मौसम देख रहे हो? आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा, कल रात बहुत बारिश हुई थी ना तो बहुत बढ़िया धूप आ रखी है आज, एक नंबर की धूप, मजा ही आ गया आज की धूप में। तो ये आई आंटी, तुम्हारी सहेली नहीं आई अभी? आएगी ना अभी तो। तुम तो कह रहे आ रही है, आ रही है, जल्दी आना कर। क्या लपा? बाय 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 बाय। अभी आंटी और मम्मी जा रहे हैं, बेलजी को भी ले जाओ। बेलजी जाओ ता नहीं, ओहो बेटा पहले जा रहे हैं हमारे, जाओ जाओ तुम जाओ। मैंने पकड़ा है क्यूटी, कितनी देर में आओगे? बेलजी बैठ जाओ। मम्मी अब तुम्हारा भाई यहाँ पे खाना खा रहा था, अभी आई राधा बुआ, मेहमान आ गए। और ये डोई है? डोई बुआ है, गए होंगे खाना खाने। ये डोई है, मोमो चाउमीन पेल के आ रहे होंगे डोई कहीं के। अरे बाबा 900 चूहे खा के बिराऊ हज को जानो। अंकित के वहाँ कैमरा फिट करना पड़ेगा जो गोलगप्पे जाते थे ना आंटी। वीडियो में भी हूँ तो वीडियो भी है, उसका तो सबूत भी है। खैर अब क्या बोलूँ मैं, अभी जाना है शूटिंग करने के लिए। शूटिंग का मैंने सामान निकाल दिया है, आंटी लोग मम्मी लोग बैठे। मम्मी क्या आज खाना नहीं बनता भैया? नहीं बनता आज, आज नहीं बनता आज खाना। बता तू इतना बड़ा बगर खाए हो गया है, खाना मिला नहीं आज क्यों बना रही है? खाना मिलता है मुझे, खाना नहीं चाहिए। कपड़े धुले मिलते हैं, तूने कुछ मिला? मम्मी वो नहीं, कपड़े भी धुले मिल जाते हैं, पहना देते तेरे को धुले, सब अपना काम करता अपने तरीके से सूख के। मैं वो नहीं कह रहा। अरे मम्मी बातें मत कर मम्मी, देर हो रही है शूटिंग के लिए। राधा बुआ समझाओ तो। तो एक दिन खाना नहीं खाएगी तो चलेगा नहीं? नवरात्रि में 9 दिन कैसे रह जाते हैं फिर? बड़ा सखी का बड़ा प्रेम आ रहा, दो सखियों का। भगवान फाइनली पहुंच गए बारिश। हाँ मैं अभी आया था, हाँ ढोलक की दोबारा से अनबॉक्सिंग होने लग गई इनकी, परसों भी करी थी। नहीं आ रही, चिरमिर चिरमिर खाली। आंटी मैं आया था दिन में, आप थे नहीं यहाँ। हाँ।
तो भाई साहब हम पहुंच गए घर और बाहर हो रही बारिश, रिमझिम बरखा लगी है। और भाई साहब अभी तो थोड़ी देर पहले इतने काले काले बादल थे ना, अभी तो बादल चले गए, थोड़ा सा गीला गीला हो गया, पहाड़ों में पड़ गई होगी बर्फ मस्त। और मम्मी और बेलजी आए दोनों जिन्हें स्वागत करने के लिए। स्वागत नहीं करोगे बेलजी का? आज यहाँ चल रहा सफाई अभियान, प्रिया आ गई तो अब इस घर में थोड़ी सफाई भाई होगी, पैकिंग वैकिंग चल रही। बाल्टी लेने गया था 2 मिनट के लिए तो इन्होंने दरवाजे ही बंद कर दिया है। हज्जा बिजली, मम्मी को बाल्टी चाहिए, मम्मी इसमें पानी गर्म करेंगे। मामा कहाँ रखो? रसोई में, यहाँ पे रख दिया मैंने। और मम्मी की हो रखी हालत खराब, कत्ता ही जहर वाली हालत खराब रखी मम्मी। ये मम्मी ये रियल है, ओवर एक्टिंग है? हाँ, बस हो गया शांति, ओम शांति। मम्मी कम से कम रियल है ना, तो मोबाइल को एक कोने में पटक दे, यहाँ पे आराम कर ले। दिन छिपरा सोने के लिए आई थी। अच्छा दिन छिपरा, हाँ यार 5:30 हो गया, अब बैठ जा चाय बनाऊं। तो भाई साहब यहाँ पे बना रहा हूँ चाय, इसमें बन रही पिरुली के लिए कॉफी, ऐसी ही है। एक मुफ्त का नौकर मिल रखा है इनको, तो दोनों ही मजे ले रहे हैं। एक की फरमाई सारी कॉफी चाहिए भैया गरम गरम कड़क, एक की फरमाई सारी ये दोनों माँ बेटे इनके अलग ही नखरे हैं। माँ की फरमाइश चल रही चाय, लड़की की फरमाइश चल रही कॉफी भी होंगी। अभी ये सपलोटिया है, छोटा सपलोटिया, इसकी कोई फरमाइश नहीं आ रखी। लो जी महारानी जी की कॉफी थे यार, महारानी और कुछ चाहिए मैम साहब? ना हो गया। तो सब लोग पूछ रहे थे ना क्या हुआ था, तो प्रिया की अली आंख का ऑपरेशन हुआ था। अब ज्यादा दिखाऊंगा तो अब तो ठीक हो गया, लेकिन वो पूरा लाल हो रखी ब्लड व्लड का, अभी टांके वाके नहीं कटे, वो अपने आप गलेंगे बता रहे थे। और प्रिया आते ही यहाँ मेहनत वेहनत करने लगी, साफ सफाई में जुट गई। वैसे भाई साहब यहाँ पूरी चाय गिर गई, यहाँ मम्मी ने मुझे गाली करनी है। ओ भाई साहब यार मेरे साथ ऐसे क्यों होता है हर बार, मम्मी फिर गाली देगी मुझे, पूरी रसोई गंदी कर दी करके, वैसे भी साफ नहीं की। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 1:15 और तुम्हारा भाई जाने की तैयारी कर रहा है दूध लेने के लिए। दूध लेने जाने से पहले मैं हमेशा ये जैकेट पहनता हूँ क्योंकि इस पे हवा हवा नहीं लगती, इसलिए। और मुझे ये ऐसा तैयार होते देखते ही बैल जी समझ जाता है कि हम घूमने जा रहे हैं। अभी आ रखी आंटी। आंटी नमस्कार, कैसे हो रहे हो? सही हो रहे हो? बैल जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, बैल जी की खुशी। मैं मम्मी जूते चप्पल कहे मेरे, और मोजे जूते भाई साहब ये जूते, मोजे कहाँ हैं? मोजे निकालने पड़ेंगे इस पे से, मोजे निकालो यार इस पे। आ गई आंटी, आपसे ही मिलने आई, तेरे को मोजे मिलेंगे नहीं, रुक जा। दे दे यार निकाल दे, पहले मैं बैठ चुके आती हूँ। अरे मिल लेना फिर आंटी से, पहले मोजे देते। सही यार, नोक मनी अच्छी वाले, नोक मनी अच्छी। और क्या कहते कह रहे, मौजा दे दे फिर बातें करते रहना, मौजा दे दे। ये प्रिया ने सारे मौजे पोटली में बांध के रख रखे। बैल जी चुप जा, नो मौजे पहनते हैं ये। टिंग डिंग डिडिंग तैयार हो गए, चलो चलो क्यूटी पाई। अब उठा लिया हमने झोला, झोले में रखना हमको घगरास और पानी की बोतल, पानी की बोतल नहीं दूध की बोतल, ग्रास रख लिया। चलो रुक जा बच्चा, एक मिनट क्यूटी भाई, एक मिनट रुक जा। बैल जी मैं बैल जी मार दूंगा बैल जी, ऐसे अगर तूने हाहाकार मचाया तो ऐसे मत करना है बैल जी। रुक जा आराम से बैल जी, गाड़ी आ रही वहाँ सामने, देख गाड़ी आ रही बैल जी, रुक जा यार, गाड़ी आ रही है उधर, रुक जा पहले गाड़ी को जाने दे, गाड़ी आ रही तुझे भागने की हो रही, चल आराम से बैल जी आराम आराम से चल, हाहाकार मत मचाया, रुक जा, ये नहीं जीने देगा यार मुझे, रुक जा। ओ भाई साहब, बैल जी नो, काट खाएंगे तुझे, ओ नो नो, चल चल। ओहो ये कौन है भाई साहब, तू क्यों डर गया? चाची नमस्कार, नीरज आ गया क्या? बैल जी को हो रही आ जा, कुत्ता ही तो है वो। ये हैं जोशी जी, मिल गए इनसे जोशी जी से। ओए होए ले भाई पकड़ नहीं रहे, अब बैल जी बच्चा बधेगा। अब देख रहे हो कैसे अंटी की तरह चमक रही है इनकी बैल जी की। चलो हम गगराज देके आते हैं गौ माता को, मेरी आवाज़ सुन के ना शायद ये उठ गए होंगे। ओहो ये देखो मेरे आते ही तैयारी शुरू इनकी सबकी। हाँ रुक जाओ ये देखो स्पीड इनकी, छोटा बच्चा ले, छोटे बच्चे तू भी खा ले, लो भाई लो खा लो इन्हें ये। और ये बच्चा तो सोया रहता है, बाय बाय अब कल को आऊंगा मैं। ओहो तो मम्मी की यहाँ बनी जबरदस्त वाली सब्जी, काई के साग बना रही मैं, बीन और आलू। और यहाँ मल्ले मम्मी के बर्तन है? बीन और आलू बन रहे भैया क्या? और इस पे क्या है मैं दिन की खिचड़ी, मेरे हिस्से की खिचड़ी, मेरे हिस्से की खिचड़ी है तो मुझे पसंद नहीं है।
सीधी बात नो बकवास, क्या बोलते हो? ऐसा है ऐसा है, सुन अपने मुंह से बोला है मम्मी ने आज, मम्मी सौतेली माँ है, देखो बर्तन क्यों पैर में मार दी, ओह माय गॉड पैर में लग गई वही जा, पूरा ही बर्तन गिर गया मम्मी को, दे भगवान ने भी दंड दिया मम्मी, वही जा बेल जी भी आगे देखने, बेल जी बाहर जा चल, क्या हुआ आराम कर ले थोड़ा, बैठ जा पैर उंगली में लगी क्या, थोड़ा आराम कर ले फिर रहने में बर्तन मार लिया आराम कर, बात करते करते आग मेरे पैर में लगी, मम्मी तूने झूठ बोला है मैं सौतेली मानी हूँ, तूने मेरे प्रति द्वेष भाव दिखाया ना अपने, हाँ तो सौतेली माँ हूँ ना, तभी तो पैर में लगी तेरे द्वेष भाव दिखाए तो तूने, ऐसे ही होता है माँ, वही तो। अभी मम्मी ने भोजन कर लिया है लेकिन थाली नहीं हटी वहाँ से मम्मी की, मम्मी कह रही है अब कुछ मीठा हो जाए, मम्मी थोड़ी खाएगी हमारे लिए वो उस दिन की चॉकलेट, अच्छा ला एक मेरे को दे फिर, अच्छा तो कुछ मीठा हो जाए, हाँ ये बहुत दिन की है, 10-15 दिन कितने 8-10 दिन हो गए ना, मैं तो अब हमारी चल रही चॉकलेट पार्टी, पहलो पहलो पहले प्रिया वाली से ही खाते हैं, चॉकलेट पार्टी अरे मम्मी लोगों का प्रोग्राम चल रहा 31st का, 31st की क्या प्लानिंग हो रही इनकी, हाँ 31st मना रहे बल हम, क्या तो क्या प्रसाद दे रही है सर पे चढ़ाने का प्रिया, अब मम्मी अपने पिछले साल के 31st के प्रोग्राम में घुस गई, भाई तुम्हारा खा रहा है चॉकलेट, I don't like this kind of chocolate, मुझे पसंद है व्हाइट वाली जो नहीं आती मिल्की बार, I love that, यह ना actually अभी आज मुझको एक बच्चा बोल रहा है, एक लड़का बोल रहा है कि तुम ऐसे कैमरे लेते हो ना तुम्हारा आधा चेहरा कट जाता है, मैंने कितना लंबा हाथ करने की मुझे आदत नहीं है ना, ये खा रहा हूँ वो खा रहा हूँ, ये हाथ में दर्द हो जाता है देखो इतना लंबा हाथ करके बैठूंगा, इसलिए मेरे को ये सही लगता है, आपको कैसा सही लगता है नीचे कमेंट करके बताना, एंड हाँ आज का ब्लॉग कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा, ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।